हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवल पर बेस्ड पार्ट 47 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तांसन को डियर डीमोन किंग बताता है, टीम फाइट में पार्टिसिपेट करने के अलावा तुम कहीं भी घूम सकते हो और इनकी टोकन के कारण इन्हें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। इसी के साथ डियर किंग तांसन को यहाँ के नियम बता देता है। साथ ही अगले 7 दिनों तक तुम ग्रेट कॉलेजियम में साइन अप कर सकते हो, यह भी जानकारी तांसन को देता है। इसके साथ ही वह एक लिंक्सी नाम की दुकान पर रुक जाता है। यह भी डियर डीमोन किंग ही संभालते हैं। इससे हमें डियर डीमोन किंग की पावर का पता चलता है। लेकिन कभी शुरुआत में पिकॉक किंग ने डियर डीमोन का साथ दिया होता है, जिससे डियर डीमोन किंग पिकॉक किंग के साथ खड़ा होता है। इसके साथ यह अपने रहने के लिए एक जगह को ढूंढने वाले होते हैं। साथ ही तांसन मेयर के बारे में सोचता है कि मेयर इस जगह कैसे आने वाला है। हालांकि मेयर गॉड लेवल का पावर हाउस है, जिसके आने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तांसन को इसकी जानकारी नहीं होती है और यह बातें करते हुए जल्दी ही एक होटल तक पहुँच गए होते हैं। वहाँ काउंटर पर एक फॉक्स गर्ल होती है। वह इन्हें देखकर चौंक जाती है और इनके बारे में पूछने लगती है। इस तरह से कुछ देर बात करने के बाद यह यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। इस होटल का नाम व्हाइट टाइगर होटल है। इसके साथ ही तांसन ने अपनी स्टोरेज बैग से एक मेटलिक रिंग निकाली होती है। उससे वह मेयर से बात कर सकता है, जिसे ब्लड पावर के साथ यूज किया जा सकता है, और मेयर से भी बात हो जाती है। तांसन अपना एड्रेस मेयर को दे देता है। साथ ही तांसन मेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है। लेकिन फिर मेयर की आवाज आती है, हम पहले ही 6 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और जल्दी ही यह दोनों ही मिल जाते हैं। तांसन भी मेयर के किंग्स सुइट में पहुंच जाता है। यहां पर डिवाइन ऑरा काफी ज्यादा होता है, जिससे तांसन का डिवाइन सेंस काफी स्पीड के साथ ठीक हो सकता है। इसके साथ ही मेयर और तांसन एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ क्या क्या किया जाना है उसकी फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। कुछ ही समय में मेयर ने बाकियों को भी बुलाने के लिए कहा होता है। वह भी जल्दी ही मेयर के पास आ जाते हैं। फिर यह एक मैप को देखने लगते हैं। फिर मेयर यहाँ के सभी एम्परर और महल के बारे में जानकारी देता है। यहाँ 15 महल और 16 एम्परर हैं, जो 9 पावरफुल डीमोन एम्परर और 7 टेंसी एम्परर हैं। यह डीमोन और घोस्ट ट्राइब में बटे हुए हैं। वह जिंग फेंग डीमोन एम्परर नया बना हुआ है, जिससे यहाँ उसका अभी महल नहीं है। और फिर इन सभी की जानकारी मेयर सभी को देता है। इनमें सबसे पावरफुल होता है द क्रिस्टल डीमोन किंग। यह ड्रैगन फैमिली से रिलेटेड है। यह शुरू के सबसे पावरफुल 9 डीमोन एम्परर किंग में से एक है और यह 2000 साल से भी अधिक के समय से प्रेजेंट है। क्या यही तांसन का फ्यूचर में ओपोनेंट होने वाला है? ऐसा कहा जाता है, यदि सभी डीमोन एम्परर को एक साथ भी जोड़ दिया जाए फिर भी यह उसे नहीं हरा सकते हैं। मेयर ने जो कहा होता है उससे तांसन को छोड़कर बाकी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद यरलक को कंट्रोल करने वाला यह तियानियू डीमोन एम्परर होता है। हालांकि तियानियू एम्परर फेरी कॉन्टिनेंट पर 3rd पावरफुल एम्परर है, जबकि डीमोन के बीच यह 2nd मोस्ट पावरफुल है। इसी तरह से इनकी बातें जारी रहती हैं। 4th पर ग्रेट डीमोन किंग ऑफ स्काई स्प्लिटिंग, 5th पर व्हाइट टाइगर डीमोन एम्परर, जिसकी होटल में अभी यह रुके हुए हैं। हवा और जमीन दोनों ही इसके डोमेन हैं। 6th पर डार्क डीमोन एम्परर, 7th पर एकमात्र गोल्डन ब्लड लाइन का मैमथ द ग्रेट डीमोन एम्परर, इसकी डिफेंसिव पावर होती है। 8th पर स्वॉर्ड सेंट डीमोन सॉवरेन ऑफ राइजिंग क्लाउड्स, और 9th पर जिंग फेंग क्रिस्टल फीनिक्स एम्परर, यह वही है जिसकी पिकॉक किंग से फाइट हुई होती है। इनकी हमने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। इस नोवल में हर किसी के 2 या 3 नाम दिए हुए हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन होता है। तांसन इसे जानने के बाद ज्यादा हैरान नहीं हुआ होता है, और यह बात मेयर भी तांसन के चेहरे को देखकर नोटिस कर सकता है। इस प्रकार से यह 8 डीमोन एम्परर और 7 हेवनली एम्परर्स इस कॉन्टिनेंट पर भयानक पावर का बेस हैं। वैसे इनके बारे में फिर कभी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आगे मेयर बताता है, यही है एंसेस्ट्रल कोड की असली पावर। इसी तरह से अब यह आगे प्लानिंग करने लगते हैं और यह जल्दी ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं।
क्योंकि इस रूम के ऑरा से तांगसन अपने डिवाइन सेंस को और पावरफुल कर सकता है। इसके साथ तांगसन अब डिवाइन सेंस का यूज दो बार तक कर सकता है। तांगसन इस तरह के किंग्स सुइट में और भी रहना चाहता है, जिससे तांगसन के डिवाइन सेंस में और भी सुधार हो सके, जिससे तांगसन मेयर से बार बार इसकी इंक्वायरी करने के लिए कहता है। यदि तांगसन को सही तरीके से इसमें रहने का मौका नहीं मिला तो तांगसन उसके लिए कुछ और जुगाड़ भी करने की कोशिश करेगा। इस तरह से इनके पास अभी भी 6 दिन बचे हुए होते हैं। इसके बाद यह सभी इस होटल से निकलने के बाद एक जगह नॉट प्लेस नाम की जगह पर आते हैं। यहाँ पर भी यह कल्टीवेशन ही करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन करना आसान नहीं होता है। इस पैलेस का ओनर स्वार्ड सेंट डीमोन किंग है। इसे हम एक प्रकार का टावर ही समझ सकते हैं, जहाँ पर कोई अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन शुरुआत में तांगसन को एंटर करने में समस्या आने लगती है। इसकी पावर का रिलेशन तांगसन की उस स्वार्ड से भी रहता है, जिसे कभी तांगसन ने रेड क्राउन क्रैन डीमोन से ली हुई थी। तभी तांगसन के साथ इसी स्वार्ड से एक आवाज आती है, तुम सरेंडर करना क्यों नहीं चाहते हो। इसी के साथ तांगसन को पता नहीं चलता है रेड क्राउन क्रैन डीमोन तांगसन के सामने कहाँ से दिखाई देने लगता है, जिससे तांगसन का दिल भी कांप जाता है। लेकिन इससे तांगसन यह भी समझ जाता है वह स्वार्ड उसकी नहीं होगी, क्योंकि वह तो एक साधारण डीमोन था, किंग लेवल का पावर हाउस भी नहीं था। इसी के साथ तांगसन ने उसे ग्रीट किया होता है और तांगसन उसे बताता है वह यहाँ उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को पावरफुल करने के लिए आया है। इसी के साथ वह तांगसन को हमेशा के लिए इनके ही साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन तांगसन फ्यूचर में फिर कभी आने के लिए कहता है। तब वह तांगसन को एक टोकन दे देता है जो कि एक छोटे खंजर के जैसा दिखाई दे रहा होता है, और इसके साथ वह तांगसन को स्वार्ड सेंट क्लैन में शामिल होने के लिए 1 साल का टाइम देता है। तांगसन उस पैलेस के अंदर आ जाता है। यहाँ यह प्रत्येक डीमोन किंग के पैलेस पर जाकर कुछ न कुछ पा सकते हैं। शाम तक वापस यह पांचों एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पर आने से तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ कंडेंस हो जाती है, साथ ही में डिवाइन सेंस में भी फायदा हुआ होता है, और स्वॉर्ड ऑर्डर तो अलग से है ही। बाद में जब तांगसन मेयर से बताता है तो मेयर कहता है, तुम्हें जितने भी पैलेस से पहचान मिलेगी उतना ही अच्छा होने वाला है, जिससे तुम्हें फ्यूचर में और भी अधिक रिसोर्स मिल सकते हैं। और अगले दिन भी इनका इसी तरह से दूसरे पैलेस में विजिट करने का इरादा होता है, क्योंकि ब्लड लाइन की पावर के अनुसार इन्हें इन पैलेस से काफी कुछ मिल सकता है। और इसी के साथ अब यह सभी अपनी अपनी ब्लड लाइन के साथ अलग अलग पैलेस में जाने वाले होते हैं। जैसे तांगसन और दुआई एक साथ मिलकर तियानियू पैलेस में पहुंचते हैं, हालांकि पैलेस में एंटर करने का इन्हें चार्ज देना पड़ता है। तियानियू पैलेस पहुंचने के बाद तांगसन देखता है उसके चारों ओर व्हाइट मिस्ट होती है। यह मिस्ट नहीं बल्कि क्यूई लक होता है जो चारों ओर भरा पड़ा है, जिसे देखकर तांगसन हद से भी ज्यादा हैरान होता है। दोस्तों, यहाँ पर साइड स्टोरी काफी ज्यादा भर भर के दी हुई है, जिसके कारण यह पार्ट काफी छोटा है, और आप सभी चाहो तो साइड स्टोरी को पूरा ही खत्म कर सकता हूँ। जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।